अपना टाइम आएगा क्विक 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 तू नंगाई तो ओहो वाँ। 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 देखो किसका हाथ ऊपर गया सबसे पहले सबसे बदमाश मस्तिखोर पूछिए सर पूछिए रणवीर जी सबसे पहले तो आपको गली बॉय की ढेरों सारी बधाइयां थैंक यू फिल्म सर अभी भी चल रही है और अभी थांक भी हर किसी की जुबान पर अपना टाइम आएगा ये बात रणवीर जी सवाल ये है कि जैसा कि आपने मिस्टर बच्चन की बात की अभी हाँ. हाल ही में हा, जब उन, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें बदला फिल्म में एक टाइटल ट्रैक करना था हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि सिंगिंग की दुनिया का उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है हाँ. लेकिन उन्होंने आपको गाते हुए देखा हाँ. गली बॉय में और तो उन्होंने आपके कुछ फुट स्टेप आपको फॉलो किया और थोड़ा बहुत उन्होंने बदला में करने की कोशिश की तो जब मिस्टर बच्चन आपके बारे में इस तरह से बोलते हैं आपकी एक्टिंग को अप्रिसिएट करते हैं तो एज एन एक्टर एज एन ह्यूमन बींग क्या कुछ फील करते हैं आप यार मैं क्या बोलूँ जब से उन्होंने ये बात बोली है पहले तो मेरे फैंस बहुत ही एक्साइटेड हो के मुझे वो क्लिपिंग्स भेज रहे हैं सोशल मीडिया पे देखो देखो बच्चन साहब ने आपके बारे में क्या बोला क्योंकि उनको पता है कि मैं ये देख के कितना एक्साइटेड हो जाऊँगा और वाकई में मैं हुआ वो सबसे बड़े महानायक हैं और उनका सबसे बड़ा दिल है इसलिए उन्होंने ऐसे बोला लेकिन फैक्ट तो ये है कि यार अभी आल पेंट अ पिक्चर फॉर यू इमेजिन अ किड सिटिंग ऑन द फ्लोर वॉचिंग अ टी वी स्क्रीन एंड दे इज जस्ट 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 मतलब मैं बच्चन साहब को बचपन से देखते आ रहा हूँ और मेरा सपना था मेरी दादी कहती थी तुझे बड़ा के अमिताभ बच्चन बनना है और मैं कितने भी जन्म ले लूँ मैं उन उनका तिनका भी नहीं होने वाला हूँ लेकिन वो उनका बड़प्पन है उन्होंने बोल दिया फैक्ट uh, तो ये है कि Uh, हम जो भी करते उन्होंने बहुत साल पहले कर लिया था उन्होंने सबसे पहले रैप कर लिया था um, यार उनके जैसा कोई है नहीं उनके उनसे ज़्यादा महान कोई है नहीं ये जो एक मिलेनियल टर्म निकला है ना गोट मैं मानता हूँ इज गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और एवरी टाइम यू कुड से इन अ वे बिकॉज द मैन इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द रीज़न आई हैव वॉन्टेड टू बिकम अ परफॉर्मर बिकम एन एक्टर सो इन अ वे यू कैन से एवरी टाइम आई गो आउट एंड परफॉर्म It's a tribute or a homage to Amitabh Bachchan.